देश दे विच आपां रह रहे हां उस देश दे विच एड्डी वड्डी घटना घट गई होवे ते कोई भी एफ आई आर दर्ज ना कीती होवे। उस तों बाद दूजी जिहड़ी इहदे उपर एक होर वड्डी गल आ, जिहड़े गुंडे आ उस घटना दे नाल संबंधित, उन्हां गुंडियां दे उपर कोई कार्रवाई नहीं हुई सी साथीओ। उन्हां गुंडियां नूं सरकार दी पूरी शह प्राप्त सी। सो असीं इकट्ठे हो के अज एक नारा मारना, क्योंकि उन्होंने कोशिश की थी भी आपां उन्होंने मनीषा की जबान कट्टी साथियो, उन्होंने मनीषा की रीढ़ की हड्डी तोड़ी आ। अज आप शासन प्रशासन राही जो राष्ट्रपति को मंग पत्र भेज रहे हैं वो आप गल चतार दें भी मनीषा की जबान आप बना गए। मनीषा की उन्होंने रीढ़ की हड्डी तोड़ी, उन्होंने फंड तो रोकया। असं जे पढ़े लिखे लोग हाँ, साहित सभा के काम करने वाले लोग हाँ, किसान मजदूर जथेबंदियों काम करने वाले लोग आ, असी रीढ़ की हड्डी मनीषा की आप बना गए। तो जिन्ना इस तशद्दुद होया उस तशद्दुद का नक भन्ना गए। दुख इस करके हुंदा जे साडे देश की सब तो उच्ची कुर्सी के उपर बैठा बंदा जिहड़ा यह कहिंदा वी मेरा जिहड़ा 56 इंच का सीना, उस 56 इंच का सीना लोगों के उपर मेरा ख्याल जुर्म करने सब तो वध वरत्या जा रहा। कोई गल नहीं करूँगा, पर जो पिछले समय तो लगातार हो रहा, सिर्फ एक मनीषा का मसला नहीं है, बहुत सारिया लड़कियां नाल इस किस्म का विहार हो रहा है। तो दुख इस गल का कि वह जो दोषी ने उन्होंने सरकारी सरप्रस्ती हासिल आ, जिहड़ियां राज सरकार वो अपने गुप्त एजेंडे से काम कर दिया हुई उस किस्म की व्यवस्था में मुड़ के कायम करने की कोशिश कर रही है, जिस व्यवस्था के खिलाफ देश ने लंबी आजादी की लड़ाई लड़ी सी। भारतीय संविधान दियां धज्जियां उड़ रही, ना औरतों सुरक्षा त्या, ना घट गिणतियां सुरक्षा त्या, ना दलित सुरक्षा त्या, ना विद्यार्थी आ सुरक्षा त्या। ये इस किस्म का माहौल बन रहा जिस किस्म का मनु सिमृति में उन्होंने सिरजिया। सो उस मानसिकता के खिलाफ लड़ाई लड़न की लोड़ आ। सिर्फ एक लड़की का मसला नहीं आ, समुचे बिहार को समझण की लोड़ है। तो पंजाबी साहित सभा नाल जुड़े हुए सारे सूझवान दोस्त इस गल का तहिया करते, इस गलते अमल करते आ कि यह जो समाजिक मसले आ जोड़े साडे परिवार की साडे समाज की वर्णमाला चिब पाउण के मसले सच तहत रचे जा रहे हैं, चाहे वह योगी वालों होवे, चाहे वह मोदी वालों होवे, चाहे राजपुर वाले की संस्था होवे, चाहे नागपुर वाले की संस्था होवे। उन्हां दा इक्को एक एजेंडा यह आ कि ना घट गिणती रहन देनी आ, ना दलित रहन देने आ। जिउंदा नहीं वो जेड़ा चुप है, देखो तो सही केड़ा केड़ा चुप है, बोलनी चंद्रीए जीते कुछ तो बोल, उत्थे सारा वेड़ा चुप है। जिउंदा नहीं वो जेड़ा चुप है। लोग कवि सावर अली सावर दियां लिखियां इन्हां लाइनां दे नाल मैं ये जो इंटलैक्चुअल सैशन मेरे मूहरे बैठा उन्होंने मुखातम मुड़ जा रहा। अज की इस घटना के संदर्भ के लिए अभी इकट्ठे हुए, ये जो घटना हैगी मैं सोचता कि इन्हें वक्रे तौर पर असं नहीं देख सकते। तो पिछले 5-6 साल तो जो चल रहा इस देश के लिए, चाहे वह कारपोरेटा खुली लुट का मौका दिता जा रहा, चाहे वह प्राइवेटाइजेशन आ, चाहे वह एजुकेशन डल्यूट किया जा रहा, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन डल्यूट किया जा रहा, तो चाहे ये जो फिर हो गुरमतियां होंगे इन्हों एक लड़ी के बच्चे रखने की लड़ा, एक लड़ी से देखने की लड़ा। जिस तरह मेरे तो पहला मेरे बहुत ही सत्कारित मदन वीरा जी बोल के गए कि देश में किधर ले जाना चाहते हैं, किस मुहाज से ले जाना चाहते हैं। तो ये जो घटना हुई है जिसके संदर्भ में अभी इकट्ठे हुए हैं, इन्हों बिना सारी लड़ी के ही रास्ते ही देखने की लड़ है। तो फिर अभी असल समस्या जो हैगी है कि वो जो चाहता है वो तक पहुँच सकते हैं, कि वह एजेंडा की है, वो करना भी चाहता है देश के बच्चे तो देश में 1000 साल पहला जितने जगह होगी उसे ले जाना चाहता है, ताकि सारा समाज जो गलतानी में रहे, सारा समाज जो अनपढ़ता जहालत में रहे, पर मजे ना बैठा रहे।